अंधेरे में दूर तक जाती सर्च लाइट की ये रोशनी बचपन में हमारी कौतूहल और जिज्ञासा का बायस हुआ करती थी। कभी इनमें हम इंद्रधनुष के सात रंग देखा करते थे। रंगों की इस अजब पहेली का रहस्य ढूंढने हमारे कदम आज भी बरबस उस दिशा की ओर घूम जाते हैं, जहां हमारी कल्पनातीत सतरंगी दुनिया के दुरंग मुख्तसर होकर कलाकारों के अदम्य साहस और भद्रजनों के अट्टाहास को रूपाई करते हमारे सामने आते हैं। खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई कलाकारों का हौसला बढ़ाते हैं। खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दांत पड़ती रहती है और वो अलग सबसे इंतज़ार करता है एक ऐसी सात का, एक ऐसे लम्हे का जिसमें सानिहा हो जाए, एक नाराय तहसीन उसके नाम हो जाए। कर्तव्य या कौशल कला का इतिहास हमारे देश के लिए पुरानी बात रही है। महाभारत जैसे महाग्रंथों में और देवकी नंदन खत्री के उपन्यास देवकांता संतति में हमें अय्यारों और बाजीगरों की बाजीगरी का वर्णन बार बार मिलता है, पर लिखित दस्तावेज सर्कस के शुरुआत का श्रेय रोम को देते हैं। वहाँ पर एम्फी थिएटर में 50,000 लोग एक साथ बैठकर ग्लेडिएटरों की लड़ाई देखा करते थे। सर्कस की बाकायदा शुरुआत 1768 में उस समय हुई जब एक कुशल अंग्रेज घुड़सवार मेजर फिलिप आस्ले ने लंदन के एक इंडोर स्टेडियम में घुड़सवारी के चौंकाने वाले करतब दिखाए। लेकिन 19वीं सदी के आखिर में घुमक्कड़ सर्कसों की स्थापना नहीं हो पाई थी। इस सदी के शुरुआत में कोल्हापुर स्टेट के राजा के आमंत्रण पर पहला यूरोपियन सर्कस चीनी, जिसमें इटालियन कलाकार थे, भारत आया। इस सर्कस में घुड़सवारों के खास करतब दिखाए गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सारे देश में एक खंभे के कई सर्कसों का प्रचलन हो गया। बावजूद इसके भारत में इनके प्रदर्शन का तौर तरीका आज जैसा बृहद नहीं था। कलावंत होने के बावजूद कलाकार न तो इतने संगठित थे और न ही उनका नज़रिया इतना व्यवसाय था। आपने भी देखा होगा जब नटकला में नटनी अपना संतुलन बनाए रस्सियों पर बल खाती थी तो हमारी आंखें विचलित हो जाती थी। सर्कस की सारी विधाएं उसी संतुलन और साहस का मिश्रित भाव लिए आज भव्य रूप में हमारे सामने है। इस भव्यता के पीछे बरसों की निशानी है। दिन के ऋतुओं में, ऋतुओं के साल में और वर्षों के युगों में बदलने की कहानी के साथ तप, बल और संयम की रवानी है। वरिष्ठ कलाकार सागर सिंह की बयानी कि पहले के सर्कस वाला दूसरा किस्म का था और अभी जो सर्कस का है बहुत इज्जत का साथ में। उस टाइम कुछ वो नहीं जानता था, कुछ सर्कस में काम करता करता ना घर ना द्वार ना बाल ना बच्चा, वही आदमी आता था सर्कस में और कोई अच्छे आदमी सर्कस में उस टाइम नहीं काम करता था। और अब जो हुआ है सर्कस में हर आदमी काम कर सकता, लेडीज जेंट्स सब कुछ, अच्छा बुरा सभी आदमी काम करता था। उस जमाने का सर्कस एक मदारी के मुताबिक था। सर्कस वाला बोलने से बहुत आदमी नफरत करता था और बहुत आदमी बस्ती वाला बहुत आदमी इज्जत भी देता था। देखिए हम एक कलाकार था और उम्र भी छोटा था और हर चीज़ में हमको सर्कस का बहुत इंटरेस्ट था। हर जगह में हम ढूक जाते थे, हर काम में, कोई भी काम हमसे ये नहीं, जो भी मैंने सर्कस में हमको रहना है उस वक्त हमको सर्कस में रहना बोल के हमको उसी टाइम बहुत शौक था। उसके बाद हम फ्लाइंग ट्रेपेज़
नया नया सीखा था राउंड जाने के लिए क्लाउन में कॉमिक में, तो ये ट्रापीस वो ट्रापीस ये सब हम करता था। तो हमारा जो डायरेक्टर है मैनेजर वो देखा, देख के बोलता अरे भाई जो डायरेक्टर देख लिया एक दिन जो फिल्म का डायरेक्टर वो हमारा काम देख लिया, देखने के बाद उसने आइडिया लगाया ये इसी से कुछ होगा, मगर इसको ये थोड़ा छोटा है और राज कपूर बड़ा है तो इसके लिए हमारा जितना भी है बैकग्राउंड करके समझे हमको सामने रखता पीछे रहता अपना राज कपूर, एक ही मेकअप एक ही ड्रेस एक ही जूता एक ही सब चीज़ एक ही के तो उनके पूरे डमी रोल। हाँ उसका नाम था आपका याद नहीं पड़ता नाम, तो वो फोटोग्राफर था तो वो बोला ठीक है उसके लिए हम है, तो उसने हमको सामने खड़ा करता बैकग्राउंड उनका लेता पीछे तरफ उसका रहता ड्रेस उस रह के साथ माने काम हम करें दिखा देता उसको फट करके। अच्छा। बहुत सजे झूला का और बाकी सब जो रिंग के अंदर हुआ वो तो ओरिजिनली वो उसने किया, तो प्रैक्टिस हम ही लोग सब प्रैक्टिस करके सब कुछ किया। तो उसके लिए अलग से कोई मेहनताना मिला आपको, कोई पैसा ज़्यादा मिला था उस फिल्म में काम करने से आपको? देखिए हम लोग को कुछ खाया पैसा खास मिला नहीं, मगर जब हम लोग उतना हम लोग शौक था जैसे एक तो पिक्चर में काम करेंगे बोल के, इसीलिए हम लोग पैसे के लिए कोई नज़र नहीं दिया और हम लोग को जो भी दिया है खिलाया पिलाया बहुत कुछ। अब इस रात भर शूटिंग होता था 100-200 रुपये हाथ में देने से हम लोग बहुत खुश होता था उस जमाने में, अगर हम लोग को 200 रुपये में मिलता था ना हम लोग सोचते क्या हो गया करके, क्योंकि उस टाइम हम लोग को तनख्वाह कितना था 300 रुपये। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में काम करने वाले सागर सिंह के जैसे कई कलाकार रात को जुगनुओं के मध्य स्वांग करते हुए आज केवल प्रेक्षकों का मन बहलाते हैं, फिर इनके चेहरे का आब नए दिन के सहर होते ही कहीं खो जाता है और आरंभ होता है नियम और समयबद्धता का वो अटूट क्रम जिसके अनुपालन पर ही रातों को इनकी सांसें चलती है और गुजरता है पहाड़ जैसा कठोर लंबा दिन। जी मैं पहले तो हो जाता था।